लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से अपनी साप्ताहिक मुलाकात में नई मुंबई की विविध समस्याओं पर चर्चा की और उनके तत्काल समाधान की मांग की। लोकनेता गणेश नाइक ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने और कोरोना वैक्सीनेशन को और सघन बनाने पर जोर दिया। यहाँ महापौर जयवंत सुतार ने नेरुल के शिवाजी नगर में सुबह 8 बजे की गई अतिक्रमण कार्रवाई पर सवाल उठाया। वहीं वरिष्ठ नेता दशरथ भगत ने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नई मुंबईकरों के साथ छल किया और यहां की रेमडेसिविर को कल्याण थाने और डोंबिवली के लिए भिजवा दिया। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने इन तमाम मुद्दों को लेकर आयुक्त से जवाब मांगा और अतिक्रमण अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी नगर सेवकों के प्रभागों में न तो विकास कार्य हो रहे हैं न ही उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, इसलिए उन्होंने 15 सितंबर को अपने जन्मदिन पर वासी में जनता दरबार लगाने का भी ऐलान किया, जहां शिकायतें जमा कर वे आयुक्त से उनके समाधान पर जवाब मांगेंगे। आइए सुनाते हैं पूर्व मंत्री ने और क्या कुछ कहा। आता नियम असा की पाऊस पडल्यानंतर साधारण ऑक्टोबर एंड पर्यंत जरी बेकायदेशीर असेल, फुटपाथ वर असेल, कुठे असेल, तरी ती त्या लोकांना बेघर करू नये असा शासनाचा नियम आहे, कायदा नाही आहे। परंतु अशा प्रकारचा नियम असताना त्या ठिकाणी आपली कामाची वेळ साधारण 9:30 असते, 8:30 अतिशय जागृत अधिकारी गेले, त्याने त्या लोकांना बाहेर काढले आणि झोपड्या तोडल्या। आणि म्हणून आयुक्तांना सांगितलं मी, हा जो कोण अधिकारी असेल त्याची पूर्ण माहिती घ्या, त्याला निलंबित करा, आणि निलंबित केल्यानंतर पुढचे त्याचा बोलवता धनी कोण ते नंतर आम्ही शोधून काढू। बहुत सारे लोक बोलते दादा आप हमें मिलते नहीं, अभी हालांकि ये कोरोना के स्थिति में मैं परमिशन मांगने वाला हूँ पुलिस स्टेशन से कि भाई शिवाजी चौक में मैं लोगों को मिलने के लिए 9 से 5 बजे तक बैठने वाला हूँ, और जिस एक एक मतलब लौट दिया जाएगा 9 बजे फलाने फलाने वार्ड के लोग आएंगे, 9:30 बजे, 10 बजे, ऐसे 111 वार्ड को बिखरा जाएगा। और उस दिन जो जो तुम लोगों के यहाँ पे अन्य है कि वो बोर्ड लेके आओ, निवेदन भी लेके आओ, और जो इसलिए मैं पहले मुझे अभी करीबन 19 दिन बाकी है, मुझे पत्र लिखो, मैं पत्र उनको डिपार्टमेंट को भेजूंगा, वो सिडको के होंगे, MIDC के होंगे, महापालिका के होंगे, MSCB के होंगे, PWD के होंगे, MSRDC के होंगे, उनको लिखूँगा। उसके बाद में उन्होंने नहीं किया तो बोर्ड लेके आएंगे। अभी सब मैं उधर उपोषण को बैठने वाला, उपोषण मीन्स गणेश नाइक का जन्मदिन, ये अन्याय विरुद्ध लड़ने का दिन, इस ढंग से उस पर उजागर किया जाएगा। मेरे साथी लोगों से बात करूंगा, सब प्रशासनिक यंत्रणा से भी बात करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, बाद में उस पर निर्णय। इस अवसर पर महापौर जयवंत सुतार ने जहां मनपा के अतिक्रमण विभाग की घटिया नियत पर सवाल उठाकर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, वहीं वरिष्ठ नेता दशरथ भगत ने रेमडेसिविर के अभाव में जान गंवाने वालों का ब्यौरा मांगते हुए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को कटघरे में खड़ा किया और जवाब मांगा। महापालिका अपंग कैसे करायची, ह्या महानगर पालिकेला विविध दर्जा कसा प्राप्त करून द्यायचा नाही, म्हणून जी काही पलवापलवी चालू झालेली आहे याच्यामध्ये प्रथम जो रेमडेसिविर औषध आहे त्या औषधाची पलवापलवी केली, मग ती पलापोली ठाणा मीरा भाईंदर कल्याण डोंबिवली पलापोली गेली, ठीक आहे, ते शेर आपलीच आहेत, वादच ना आपले शेर आहेत ते, परंतु आमच्या रुग्णखाटेवर आहे तो मरणाच्या दारात आहे, त्याला आम्ही त्याचा जीव कंठात आहे, आणि त्याचा जीव कंठात त्याचा मेडिसिन आम्ही अन्य दुसऱ्या महापालिकेला कसे देणार। आमचं दायित्व प्रथम कुठल्या प्रति आहे, नई मुंबई महानगरपालिकेच्या नागरिकाप्रती आमचं पूर्ण दायित्व आहे। नाईक साहेब पालकमंत्री असताना मग ठाणा जिल्हा पुरी पालक आता पालघर झाला, परंतु ह्या ठिकाणी पालकमंत्री असताना त्यांनी कधीसुद्धा नवी मुंबई असो, ठाणा असो, पालघर असो, जे काही शहर असतील या शहरातल्या नागरी सुविधा आपल्या शहरामध्ये नई मुंबईमध्ये आणून पलवापलवी करणं
असं कधी केलं त्यांनी बॅलन्स ठेवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ह्या ठिकाणी जे चालले ते पलवापलवीचं चाललेलं आहे. आमच्या नागरिकांच्या सुविधाची पलवापलवी आणि ही पलवापलवी याच्यापुढे आम्ही करून देणार नाही. पहिल्यावेळी त्यांना मी सांगितलं की बाबा ह्या ठिकाणी यांचं सर्वेक्षण आहे आणि सर्वेक्षण पावती असताना आपण कारवाई आणि पावसाळ्यात करू नये. परंतु एक 5-7 दिवसानंतर सकाळी 9 वाजता विभागाधिकारी आणि त्यांचे सहकारी घेऊन त्या झोपड्यांवर त्या ठिकाणी कारवाई केली आणि आयुक्त महोदयांना सांगितलं की ज्यांचा स्वच्छ सफेद कपडा असेल त्यांनी तुम्हाला सांगितलं तर ठीक आहे, परंतु स्वतःचा अनधिकृत बांधकाम असताना दुसऱ्या झोपड्या तोडण्यासाठी आग्रही करतात त्यांच्यावर आपण त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायला पाहिजे. त्यांचा उद्देश काय, त्यांचा उद्देश वेगळा असतो आणि अशा गरिबांच्या झोपड्यात तोडून त्यांना धाक दपटशामध्ये ठेवणं हा प्रकार आहे. आयुक्तांच्या ते निदर्शनास आलेलं. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.